पे तो दिखेगा ना आता बिल्कुल देखा ना वर्मन डेली वर्ल्ड लेवल की एकेडमी है जो प्रतिष्ठित डॉक्टर्स जो अच्छा काम करते हैं अपने फील्ड में उन लोगों को एक उनके काम को देखते हुए और इसको सम्मानित करते हैं। उस तहत में हमारे को ये फेलोशिप की डिग्री दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंस जो वर्ल्ड अल्ट्रासोनिक पीजो इलेक्ट्रिक बोन सर्जरी की सेमिनार जो वर्ल्ड लेवल पे हर कंट्री में रोटेशन के तहत आयोजित किया जाता है और उस तहत में हमारे जो क्लिनिक के वर्क को देखते हुए और जो केसेस हमने उनके साथ शेयर किए उनको देखते हुए ये हमारे को विशेषता प्रदान की गई है जो हमारे हरियाणा स्टेट में एक अकलौती तरह की फेलोशिप हमें मिली है और इंडिया में भी कुछ चुनिंदा लोगों को ही ये प्रदान की गई है। ये सेमिनार दिल्ली में 27 से 29 जनवरी को आयोजित किया गया और 28 तारीख को ये डिग्री हमें ड्यूली प्रदान की गई। क्लिनिक में फॉर पेशेंट बेनिफिट आप एक नई तकनीक को लेते हुए और उसको इंट्रोड्यूस करते हैं अपने मरीजों के फायदे के लिए और भले के लिए, जिसमें हम लोग डेंटल में इम्प्लांट तकनीक जो आजकल विश्व प्रचलित और सबसे न्यूनतम विधि है दांत को लगाने के लिए, उसको एकदम नेचुरल तरीके से रिस्टोर करना, नेचुरल तरीके से पुनर्जीवित करना, पुनरोपण करना उस विधि को, और दूसरा हम लोग जो एक अलग से काम कर रहे हैं वो ये कि भी फेस पे झुर्रियाँ आ जाती हैं उनको कैसे ख़त्म करते हैं, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, बाल झड़ने से रोकने के तहत जो कार्यक्रम हम करते हैं वो सारे कार्य इसको देखते हुए मरीजों को डेफिनेटली इससे फ़ायदा मिलता है और मिलेगा। सर इसके बाद इंडिया में ऐसे कितने लोग हैं? इंडिया में अभी 11 लोगों को ऑल ओवर वर्ल्ड से ये डिग्री दी गई थी, 11 लोगों को ये डिग्री उस कॉन्फ्रेंस में प्रदान की गई, जिसमें से कुछ लोग विश्व दो तीन लोग कोरिया से थे, दो लोग जापान से थे और तीन लोग इंडिया से थे जिनको ये, हरियाणा में हम इकलौते ही हैं। फक्र की बात ये रहेगी अगर ये विधि हमारे मरीजों को बेहतर दे सकती है, और ये डेफिनेटली अब हमने वर्ल्ड सिनेरियो पे देखा है ये विधि अच्छे से काम कर रही है और ये हमारे मरीजों को भी डेफिनेटली फ़ायदा करेगी, जो सबसे बड़े फक्र की, ये एक अरमान डेंटल क्लिनिक की एक लोगो भी रहता है, मोटो भी रहता है कि जो मरीजों के फायदे की चीज़ है, जो बेस्ट विधि होती है हम उन्हीं को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं का फ़ायदा हमारे मरीजों को पिछले 15 साल से देते आ रहे हैं और ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हम लोग करते हैं हमारे यहाँ पर। ये अवार्ड मिला है और ये बधाई के पात्र हैं और हम सभी इनको बेहद मन से बधाई देते हैं, क्योंकि आज के दिन हमारी लिटरेसी रेट बढ़ती जा रही है, लोग समझदार होते जा रहे हैं, लोगों को पढ़े लिखे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए, जोड़ा छाप से बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, वो नीम हकीम खतरे की जान, वो जो पूरी कहावत है वो सच चीज हो जाती है और मरीज कई बार बड़ी कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है। डॉक्टर नरेंद्र जांगड़ा को एक फेलोशिप मिली है अल्ट्रासोनिक पीजो इलेक्ट्रिक बोन सर्जरी के ऊपर, ये विधि बड़ी नई तकनीक है जो मरीजों के फायदेमंद है। पहले क्या होता था डेंटिस्ट्री में, जहाँ तक मैं पुरानी बातें कर रहा हूँ, पहले दांत का मतलब, दांत के डॉक्टर का मतलब था दांत पाड़ना और जबड़ा लगाना, और वो सिस्टम अब खत्म हो गया, अब नई विधि आ गई है और नई विधियों से स्माइल अच्छी दी जा सकती है, दांत को यूं क्यों बचाया जा सकता है और जो दांत खराब होते हैं उनको अच्छे तरीके से दोबारा भी लगाया जा सकता है, और जैसे बुढ़ापा आता है 40 साल के बाद उन झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, आज के दिन पहले भी पड़ जाती हैं, यानी 40 पे भी पड़ते हैं, तो उनको भी क्या नाम है ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर साहब नई नई विधि शहर में ला रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर सम्मानित किया जा रहा है और इनको फेलोशिप मिली है, मेरे को बहुत खुशी है, मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, भगवान करे भिवानी की जनता के लिए अच्छा से अच्छा काम करें और करते रहें। आज भिवानी के लिए बहुत ही खुशी का मौका है, खुशी का दिन है कि डॉक्टर नरेंद्र जांगड़ा ने अल्ट्रासोनिक पीजियो इलेक्ट्रिक बोन सर्जरी के ऊपर फेलोशिप का अपना जो फेलोशिप थी वो पूरी की है, इससे भिवानी के वासियों को बहुत फायदा होने वाला है, तो भिवानी के वासियों को अब इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनका वो सारा इलाज अब भिवानी में ही उपलब्ध है। तो